सेना ने आज लेट गनर राजेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने 6 दिसंबर 2018 को कुपवाड़ा जिले के मचिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर दुश्मन से लड़ते समय अपना बलिदान दिया। बीबी कैन के समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल एके भट्ट, चिनार कॉर्प्स कमांडर और सभी रैंकों के अधिकारियों ने एक गर्व राष्ट्र की ओर से शहीद राजेश कुमार को फूलमालाएं चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि भी इस समारोह में शामिल थे। लेट गनर राजेश कुमार को मतिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन के दौरान कई गंभीर बुलेट घाव आए। उन्हें तत्काल प्राथमिक सहायता प्रदान कर 92 बेस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी वहां मौत हो गई। शहीद लेट गनर राजेश कुमार 25 वर्षीय थे और 2013 में सेना में शामिल हो गए थे। वह उत्तर प्रदेश के इटार जिले के जलेसर तहसील के एक गाँव रजुआ के रहने वाले थे और उनके परिवार में उनके माता पिता और पत्नी है। शहीद के शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके मूल गांव ले जाया गया, जहां उन्हें पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। दुख की इस घड़ी में सेना शहीद के शोकग्रस्त परिवार के साथ एकजुटता में खड़ा है और अपनी गरिमा एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। चलना है अगर वक्त से आगे, बदलना है अगर नजरिया, तो चलते रहिए बस वक्त के साथ। हम दिखाते हैं सबसे पहले, बेशक हो छोटी खबर या बड़ी, वक्त इंडिया, यही वक्त है।